वेलकम स्टूडेंट्स, हिंदी बच्चों का स्वागत है हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हमने छोटी ई सीखी, आज हम सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा आगे बैठती है और बड़ी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के पीछे बैठती है, ठीक है? ये है आपकी बड़ी ई की मात्रा। अब इसे लिखेंगे कैसे? जैसे अगर आपने एक व्यंजन लिया क, तो आप क्या करेंगे, अगर उसको आप बड़ी ई की मात्रा से जोड़ेंगे तो वो बनेगा क प्लस बड़ी ई की मात्रा, यानी बन जाएगा की। क से बड़ी ई की मात्रा जुड़ते ही बन जाएगा की। अगर ख से बड़ी ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा खी। ख में बड़ी ई की मात्रा खी। छोटी ई की मात्रा में हम ई को थोड़ा सा खींचते हैं और बड़ी ई की मात्रा में उसे लंबा खींचते हैं। ई ई, ठीक है? तो खी की। अगर हम इसे ग के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा गी। ये बन जाएगा गी। अगर इसे हम घ के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा घी। ठीक है, ये बन जाएगा घी। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही हम क में बड़ी की मात्रा की, ख में बड़ी की मात्रा खी, ग में बड़ी की मात्रा गी, घ में बड़ी की मात्रा घी। अगर इसी तरह हम ध में बड़ी की मात्रा ले तो धी, र में बड़ी की मात्रा ले तो री, च में बड़ी की मात्रा ची, व में बड़ी की मात्रा वी, त में बड़ी की मात्रा ती। तो आप आज क्या करेंगे, आज आप अभ्यास करेंगे कि बड़ी की मात्रा को व्यंजनों के साथ जोड़कर हमें कौन सी ध्वनि मिलती है। ठीक है, आप सारे व्यंजनों के साथ बड़ी की मात्रा को जोड़ेंगे और जोड़कर उसका अभ्यास करेंगे बोलने की, उच्चारण करने की। और कल मैं आपके लिए कुछ शब्दों के साथ हाजिर होंगी जहां बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।